नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, फसलों में महंगे महंगे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, बढ़वार फसल की नहीं होती, पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, फसल बिजाई से पहले ही आपको सॉइल टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। उसी अनुसार जब आपका सॉइल का पीएच आपको मालूम चल जाए तभी आप फर्टिलाइजर डालिए। उसी अनुसार कि हाई पीएच है तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, लो पीएच है तो कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, मिट्टी के पीएच को मेंटेन आप कैसे कर सकते हैं, उस पर तो मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो है। तो आप इस तरीके से दोस्तों जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं और न्यूट्रिशन फिक्स हो रहा है, क्योंकि वो हाई पीएच है या लो पीएच है मिट्टी का, तो हाई पे या लो पे पौधे न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट आपको नहीं मिलता है और वो खर्चा भी हो जाता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये मिट्टी का पीएच। आज की वीडियो में हम आपको लाइव दो तरीके से दिखाएंगे मिट्टी का पीएच आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, दोनों से ही आप क्लियर मालूम चल जाएगा कि आपकी मिट्टी का पीएच क्या है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला और जरूरी कार्य होता है सॉइल टेस्ट। और सॉइल टेस्ट में भी आपको पीएच मालूम जरूर होना चाहिए, आपके पानी का पीएच जो आप यूज करते हैं सिंचाई में, और साथ ही मिट्टी का पीएच, उसी अनुसार आप फर्टिलाइजर डालें। तो दोस्तों, सॉइल टेस्ट आप घर पे ही सिर्फ एक मिनट में कैसे देख सकते हैं, सॉइल टेस्ट कैसे कर सकते हैं, पीएच कैसे चेक कर सकते हैं पानी का या मिट्टी का, उसके लिए सबसे पहले तो ये लगभग 60 रुपये से 100 रुपये के समथिंग अमेजोन पे अवेलेबल हो जाता है। लिटमस पेपर नाम से आप सर्च कीजिए, या फिर आप सर्च कर सकते हैं इंडिकेटर पेपर, इस नाम से भी सर्चिंग में आ जाता है। तो ये आप इस टाइप के आते हैं ये, इससे आप पानी का पीएच भी चेक कर सकते हैं और मिट्टी का पीएच भी चेक कर सकते हैं। हमने भी ये अमेजोन से ही ऑर्डर किया था और हमें ये 120 रुपये में विद डिलीवरी चार्ज अवेलेबल हुआ है। तो ये पीएच देखिए होता है 14 तक, इस अनुसार आप मालूम कर पाएंगे यहाँ से। और ये इस टाइप की छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स आती हैं इस टाइप की, तो इनसे आप पीएच चेक करेंगे। अब चेक कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले पीएच चेक करने के लिए आपको मिट्टी का सैंपल लेना है। सैंपल कैसे लेना है, वी आकार में आप गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा अगर बागवानी कर रहे हैं तो 1 फीट गहरा तक भी आप गड्ढा बना लीजिए, और अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो 20 सेंटीमीटर तक या वी शेप का गहरा गड्ढा बना लें। गड्ढे के दोनों साइड की मिट्टी अब आपको लेनी है, थोड़ी थोड़ी लगभग 1/2 kg आप मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी लेकर के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कोई, और मिट्टी कहाँ की लेनी है ये जरूर ध्यान रखिए कि आसपास में पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई प्लॉट में सब्जी वर्गीय खेती करते हैं या अनाज वर्गीय खेती करते हैं तो पेड़ के नीचे की या पेड़ की छाया की या पेड़ के आसपास की मिट्टी नहीं लेनी है, मेड़ के आसपास की मिट्टी नहीं लेनी है। उसके साथ ही अगर प्लॉट में कहीं पर फर्टिलाइजर रखा है आपका, या जिप्सम वगैरह या चूना वगैरह रखा हुआ है, तो उसके आसपास की मिट्टी भी नहीं लेनी है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। और एक सावधानी और है दोस्तों, जहाँ पे पानी भरा होता है, पानी ज़्यादा भरा हुआ होता है या गड्ढा है, वहाँ की मिट्टी भी आपको टेस्ट के लिए नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पहले मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी लेकर के अब आपको डिस्पोजल लेने हैं। ये दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप डिस्पोजल में ही टेस्ट करें, और 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 आप सैंपल लेंगे मिट्टी के, और कोशिश कीजिए आप 7-8 ले लें तो और भी अच्छा रहेगा। जितनी मिट्टी लेंगे उतना ही आपको डिस्टिल वाटर लेना है दोस्तों। जो नॉर्मल वाटर होता है, किसी का TDS बहुत हाई होता है या TDS लो है, पानी कैसा है उस पर भी आप क्लियर मालूम नहीं चल पाएगा आपकी मिट्टी का पीएच अगर आप चेक करें, तो डिस्टिल वाटर ही लें, और ये महंगा नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप 1 लीटर की बोतल ले आइए, हम लोग बैटरी वगैरह में यूज करते रहते हैं, तो हम ये बड़ा कैन है हमारे पास, बड़ी बोतल है ये दोस्तों। अलग अलग मिट्टी ले रखी है हमने, तो जितनी मिट्टी लेंगे उतना ही आप पानी ले लेंगे। तो ये हम 2-2 चम्मच एक एक डिस्पोजल में ले रहे हैं। ये जो इस टाइप के हैं दोस्तों, इनको आप निकाल दें, पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए, ये मिट्टी के ही हैं। ये हमने 4 सैंपल लिए हैं दोस्तों,
आप कितने भी अपने मिट्टी की कितने भी सैंपल ले सकते हैं, ये डिस्टिल वाटर है। अब ये जितनी मिट्टी लिए, दो दो चम्मच हमने लिए, तो दो दो स्पून ही आपको पानी लेना है। अगर आपको लग रहा है कि पानी बिल्कुल ही कम नज़र आ रहा है, इसमें डिस्टिल वाटर कम है और मिट्टी ज़्यादा लग रही है, तो फिर आप थोड़ा सा और डाल दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप यूज ना करें। इस तरीके से दोस्तों आपको ये लिटमस पेपर से चेक करेंगे, एक्यूरेट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, अगर आप जैसे मिट्टी का सैंपल प्रॉपर नहीं ले पाए या डिस्टिल वाटर से आप चेक नहीं कर रहे हैं, तब थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, सिर्फ पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, बाकी आपको क्लियर एक लगभग अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पीएच, मिट्टी का पीएच कितना है, 6 है, 7 है, 8 है, एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप फर्टिलाइज़र फिर उस अनुसार यूज कर लें, अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेना है। ये आपको डाल करके मिक्स करना है अच्छे से। आप मिट्टी ज्यादा भी ले सकते हैं, जितनी चाहो उतनी। अगर आधा गिलास ले रहे हैं तो आधा गिलास आप पानी से भर लीजिए, इस तरीके से आप ले सकते हैं। जितनी मिट्टी लें उतना ही आपको ये पानी लेना है, नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं और या फिर आप डिस्टिल वाटर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इनमें आपको ये स्ट्रिप डालनी है इस तरीके से। अब दोस्तों इनको निकाल लीजिए। ये देखिए, मैं आगे आपको दिखाती जाती हूँ। अब जैसे इसका आया है ये, आप अगर एक ही जगह से आसपास से ही सॉइल का टेस्ट करेंगे, एक ही प्लॉट की करेंगे, तो पीएच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। अब ये जो कलर हुआ है, ये कलर आप मैच कीजिए कि किससे ये मैच हो रहा है। तो ये कलर मैच हो रहा है, देखिए आप पास से देखिए, 7 से हो रहा है ये पीएच, ये देखिए। इस तरीके से आप मैच करना है। अगर थोड़ा डार्क आता तो ये 9 आता, ये 8 है। आप इनसे आप मैच करेंगे इसको, इसका कलर मैच करेंगे, ये देखिए, ये 7 पीएच है, ये 6 को थोड़ा सा ज़्यादा येलो है, तो ये 7 में मैच हो रहा है, तो ये 7 है इसका पीएच, यानी कि हमारी सॉइल का पीएच है 7, जो कि बेस्ट है। पीएच मेंटेन कैसे करते हैं, ये देखिए, इसका देखिए पास से दिखाना, ये देखिए बिल्कुल 7, एक्यूरेट 7 है ये दोस्तों। पीएच मेंटेन कैसे करते हैं, आप 6.5 से 7.2 तक कैसे रख सकते हैं, हाई पीएच है तो आपको क्या करना चाहिए, लो पीएच है तो आपको क्या करना चाहिए, ऑलरेडी मेरे डिटेल वीडियो आ चुके हैं, आप लोग जरूर देखिए। और पीएच मेंटेन करके कम खर्चे में अच्छे से उत्पादन लीजिए, आप खर्चा बचाइए। तो फर्स्ट तरीका ये हो गया, इससे आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं है तो बेस्ट रहेगा कि आप फिर घर का जो नॉर्मल वाटर है जिससे आप सिंचाई करते हैं उसको आप यूज करके भी चेक कर लीजिए। दूसरा दोस्तों सॉइल टेस्ट का बेस्ट ऑप्शन है, ये लीजिए, और जहाँ का भी आपको सॉइल टेस्ट करना है अंदर, आप इस तरीके से इतना आप सॉइल के अंदर कर दीजिए और पीएच पे आप कर दीजिए।
अब इसमें तीन ऑप्शन है, ये देखिए, मॉइस्चर, पीएच भी दिखाएगा और लाइट भी दिखाएगा, ये तीन ऑप्शन है। तो इससे भी आप सॉइल टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, पानी का पीएच है या फिर मिट्टी का पीएच है, परमानेंट आप इसे रख लीजिए और ये कभी ख़राब भी नहीं होता, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इससे भी आप सॉइल टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।